हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप अपने कार्य में सब व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जहाँ मैंने पिछले ब्लॉग का एंड किया था वहीं से आगे शुरू कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने ज़्यादा आज कुछ नहीं किया, हल्की सी कंघी करी और दुखे कानों में झुमके लगाए। और मैं मेकअप तो करती नहीं हूँ दोस्तों, हमेशा ऐसे ही चलती हूँ। और अभी तो बाल भी गिले ही है, फिर सोचा चलो वहीं पे कंघी कर लूँगी अच्छे से। तो चलो आज चलते हैं चाचा जी के घर में। उनके जो मेरे चाचा जी है ना, उनका बेटा है, उसके आगे बेटी हुई है। तो उसके जो मायके वाले ना, वो उनको शगन लेके आ रहे, सोएथा लेके आ रहे हैं, हमारी भाषा में सोएथा बोलते हैं। तो जो मायके वाले कपड़े कुपड़े और बहुत सारा सामान लेके आते हैं अपनी बेटी के लिए, दामाद के लिए और उनकी फैमिली के लिए, तो बस वही आए हैं आज। और मैं भी हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप अपने कार्य में सब व्यस्त होंगे। तो स्वागत करती हूँ दोस्तों अपने YouTube चैनल पे, हिमाचली ब्लॉगर KS77 यानी कि कांता शांडिल। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग चल रहे हैं आजकल मायके के, तो मायके अभी मैं पहुंची नहीं हूँ, तो गांव के आसपास के ही व्यू बता रही हूँ। अभी थोड़ा सा ही रहा है, बस घर के नीचे ही हूँ मैं। तो मैंने कहा इतना हरा भरा मौसम है तो क्यों ना वीडियो शूट की जाए। तो ये मेरे पीछे का व्यू है, मैं आगे आ गई हूँ। तो मैं बैक कैमरे से दिखा रही थी आप लोगों को, यहाँ बचपन की बहुत सारी यादें होती हैं दोस्तों। तो मन करता है कि सारा शूट कर लूँ। और बस अब बहुत ही करीब पहुंच चुकी हूँ मैं घर के। तो ये खूबसूरत से नज़ारे के साथ आपको आगे मैं बताती हूँ एक और पौधा जो औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो कि बहुत चीज़ों के काम आता है, बहुत सी दवाइयाँ। इसके बारे में कभी और आपसे बातें करूँगी। और ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये जो आपको बेल सी नज़र आ रही है, ये देखो, इसको हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं इसको। इसमें ना कोई फूल होता ना कोई पत्ता, फूल तो इसमें लगते हैं बाद में, पत्ते नहीं होते, सिर्फ डंडी सी होती है एक। और इसको अमरबेल बोलते हैं और हमारी भाषा में बोलते हैं इसको काशबेल। तो दोस्तों, इस पौधे की एक खासियत यह है, जब ये उगता है ना तो ये मतलब ज़मीन पर निकलते ही अपने जड़ों से अलग हो जाता है, और जिस भी पेड़ पौधे से लिपट जाता है ना उसी से अपना ये जीवन व्यतीत करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। और इसके बहुत सारे गुण हैं, और यहाँ बहुत सारे लगे थे पर जाना बहुत मुश्किल था वहाँ तक, जहाँ भी, क्योंकि बरसात में आप देख ही रहे हैं घास के बीच जाना बहुत मुश्किल। और दोस्तों, ये रहा वो शिव मंदिर जो कुछ दिनों पहले मैंने आपको शिव गुफा बताई थी, वीडियो बताई थी। तो वीडियो बनाऊनी नहीं, मेरी दादी और भाभी आ रही नीचे से, उनकी वीडियो बना रही। ये मेरी दादी देखिए, हमारी दादी को देखिए आप। हाँ, हमारी दादी सुपर ब्यूटी क्वीन अरे हमारी भाभी। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई थी, मैंने घर के पास वीडियो शूट नहीं की। तो चलिए मिलते हैं जिससे हम मिलने आए हैं, ये है हमारी नन्ही परी, छोटी सी क्यूट सी बेबी। मैंने अभी इतना इसका नाम भी नहीं पूछा, नाम पूछना ही भूल गई। ये है मेरी भतीजी क्यूटी। दोस्तों, चाचा जी के घर हम पहुंच गए थे, तो आप नन्ही परी से मिल चुके हैं। और अब वो रस्म शुरू कर रहे हैं जो कि भाभी के मायके वाले आए हैं। ये मेरी भाभी बैठी है पिंक सूट में, और ये गोद में इनकी छोटी बेटी, और ये साथ में वाइट शर्ट वाला इनका बेटा है। और ये भाभी के मम्मी पापा है जो शगन दे रहे हैं, और साथ में भाभी की मासी है, और भी भाभी के मायके से लोग आए हुए हैं। मैं ज़्यादा तर पहचानती नहीं, भाभी की बहनें भी है। और ये मेरी चाची है, तो चाची को भी वो शगन दे रहे हैं, सूट दे रहे हैं, साथ में पैसे पैसे होते हैं। और तो सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए पूरा सामान लेके आए हैं। और साथ में हमारे रिवाज जो होती है वो तो उन्होंने पहले दे दिया होगा, वो मैंने देखा नहीं। और साथ में घी, शक्कर,
बहुत कुछ सामान लेके आते हैं, मिठाई और बना के बबरू वगैरह भी लाते हैं हम लोगों के, तो वो मैंने देखे नहीं क्योंकि वो पहले दे दिए थे। मैं लेट पहुंची हूँ ना, मैं हमेशा ही लेट पहुंचती है। देखिए हमारी क्यूटी, और ये कंगन लाई है इसकी नानी, तो हमारे रिवाज है चांदी के कंगन लाते हैं, और क्योंकि हमारे पहाड़ों में ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, बहुत लोगों के मैंने सुना है सोने की चीज़ें लाते हैं। और ये है पार्थ, तो हमारे इतना तामझाम नहीं होता है दोस्तों, बस हम सस्ते में ही निपटा लेते हैं। तो बस इसी के साथ ये लेन देन का इनका कार्यक्रम चल रहा था और साथ में फ़ोटोशूट हो रहा था, तो हंसी मजाक भी हो रहा था, सब कुछ मैंने म्यूट कर दिया, बहुत शोर सा था। तो ये देख सकते हैं, ये मेरी ऑरेंज सूट में चाची है, और ये बीच में जो है चाचा जी है, और ये वाइट शर्ट में भाभी के पापा, और ये इधर को भाभी की मम्मी मैरून से सूट में। तो इन सब के जो चाचा जी की दो बेटियाँ, वो किसी कारण नहीं आई, मौसम के कारण, मौसम ख़राब होने के कारण नहीं आई। और ये साथ में उधर आपको आसमानी से सूट में दिख रही है भी मेरी चाची है। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है दोस्तों मायके में, तो मेरे जो पापा, मेरे पापा सबसे बड़े थे ना, और ये वाले चाचा मेरे सबसे छोटे हैं जिनके घर में मैं आई हूँ। और मैं और चाचा जी एक क्लास में हम साथ साथ ही पढ़ते थे दोनों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे चार चाचा जी हैं और चार चाचियां हैं। तो बहुत शोर हो रहा था दोस्तों, बाहर बारिश भी हो रही थी, तो मैंने म्यूट कर दिया, और फिर हमारी अपनी भाषा में बातचीत हो रही थी, और बहुत खुश थे। देख सकते हैं आप, पूरी फैमिली बैठी है इधर हमारी, और ये हमारी ताई जी बैठी है, और अरे ये मेरे पापा छोटे वाले जो थे वो चाची बैठी है, और पूरी हमारे फैमिली के लोग ही हैं। और नीले से सूट में जो बीच में आपको दिख रही है मेरी भाभी है, मेरी रियल भाभी जो है, और ये मेरी बहन की बेटी है जो हाथ हिला रही है, मेरी कज़न, और ये पार्थ कुमार जी कुछ कहेंगे। और लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करें, बुआ का चैनल है। इसी के साथ दोस्तों थोड़ा सा ना भजन गा रहे थे, बच्चे चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, उनका भोग लगे संत कर सेवा, भोग चढ़े संत कर सेवा हमारी। दोस्तों वीडियो का आगे का भाग दूसरी वीडियो में, और आज करती हूँ यहीं पे वीडियो का एंड। बाय बाय।